हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। दोस्तों, मार्केट 12,000 के न्यू हाई पे टच कर चुका है, इसीलिए न्यू हाई ये कूपन कोड लाइव है। अराउंड 12% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स में मिलेगा। अगर कॉम्बो ऑफर्स ट्राई करोगे तो अप टू 27% तक के डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर को विजिट कीजिए, वहां पे investyadnya.in टाइप कीजिए, हमारा ऐप आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग आपका फ्री फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। उसके बाद अगर कुछ एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए तो ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। हमने हमारे कम्युनिटी पेज पे एक पोल भी लिया था जिसमें हमने पूछा था आप लोगों से कि हम टेक्निकल एनालिसिस इंट्रोड्यूस करें या ना करें, अगर करेंगे तो कौन से स्टॉक्स के हमने करने चाहिए। तो उस पर काम हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो जहां पे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है उनके टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले है। तो ये बेसिक डिफरेंस हम आप लोगों को समझाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और किसने इसे यूज करना चाहिए। और आने वाले समय में ये टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस ये एक थीम काफी पॉपुलर हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। हमारा जो अप्रोच है, नॉर्मली हम रिस्क प्रोफाइलिंग करके देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में बिलीव करते हैं। तो उसमें बहुत बार एंट्री और एग्जिट बिफोर गोल्ड रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, एक बेसिक डिफरेंस समझाएंगे आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहले देखेंगे मेथोडोलॉजी क्या होती है, कि ये कौन से मेथोडोलॉजी से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और कौन से मेथोडोलॉजीज है जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहां फंडामेंटल एनालिसिस में सारा जो खेल है वो नंबर्स का खेल है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है ओवरऑल, कि इंडस्ट्री क्या है, कंपनी कैसी है, ओवरऑल क्या स्कोप है कंपनी के पास, बाद में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स कैसे है कंपनी के, बैलेंस शीट कैसी है, कैश फ्लो जनरेशन कैसा है कंपनी का, सो ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज कैसी है वो पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडस्ट्री, इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। विज़ाविज अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं तो ऐसी चीजें नहीं देखी जाती, वहां पे सारा जो खेल है वो चार्ट्स पे या फिर वॉल्यूम्स पे, उसकी प्राइसिंग क्या है उस पे ही होता है, और पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस पे ज्यादा भरोसा होता है कि पहले ऐसे हुआ था इसलिए आने वाले समय में भी ये ऐसा हो सकता है। नॉर्मली इन्हें साइकल्स कहा जाता है कि साइकल्स अपने आप को रिपीट करते जाते हैं, वो पर्टिकुलर जो एक होराइजन होगा, वो पर्टिकुलर एक ट्रेंड होगा, वो वापस खुद को रिपीट करेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस कहता है। तो बहुत सा बार जो फंडामेंटल एनालिसिस के लोग होते हैं जो कंप्लीटली डेटा एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने की कोई ट्रेंड्स इन द सेंस कि ओवरऑल बिजनेस या फिर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, उस हिसाब से हम बात करें, ना कि ओनली चार्ट्स पे, तो वो उनको ये यहां पे बिलीव नहीं करते। तो इसीलिए ये मेथोडोलॉजीज में कंप्लीट डिफरेंस है। तो यहां जो टेक्निकल एनालिसिस है तो वहां बिल्कुल लोग मानते नहीं है कि भाई ये प्राइसिंग में कुछ ऊपर नीचे, इन द सेंस कि जो भी अभी करंट प्राइस है वो मार्केट की थ्योरीज के या मार्केट फोर्सेस ने बराबर दिए हुए हैं और मार्केट खुद को अपने आप रिपीट करता जाएगा, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस के लोगों का मानना होता है। विज़ाविज़ फंडामेंटल एनालिसिस के लोग वैसा नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। तो यहां पे जो एजम्पशंस है फंडामेंटल एनालिसिस में, वो एजम्पशंस ऐसे नहीं माने जाते जो कि हुआ है इसलिए हम मानेंगे, ऐसा बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस में होता नहीं है। और इसीलिए ये जो ट्रेडर्स टाइप के लोग होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा बिलीव करते हैं ताकि उनको शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। विज़ाविज़ फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इन्वेस्टर टाइप के लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई मुझे सही में रियल लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा डालना है, उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में। सो इन्वेस्टर्स बिलीव इन फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेडर्स बिलीव इन टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर एप्लीकेशन देखा जाएगा तो एप्लीकेशन क्या बोलता है, फंडामेंटल एनालिसिस का एप्लीकेशन ये बोलता है कि कोई भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये इन सारे कैलकुलेशन से हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस ऐसी कोई चीज नहीं बोलता कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो सिर्फ इतना बताने की कोशिश
कोशिश करता है कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रेंड के बाद ये पर्टिकुलर एंटिटी कैसे रिएक्ट कर सकती है। तो उनके लिए सारा का सारा जो दारोमदार है वो चार्ट्स पे ही होता है। वो नहीं बिलीव करते कि यहां पे आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए ये कंप्लीटली शॉर्ट टर्म एनालिसिस ही होता है। तो अभी एक नया फंडा जो डेवलप हुआ है वो है टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्नो फंडा एनालिसिस नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है नाउ व्हाट दे हैव स्टार्टेड इन बिलीविंग टेक्निकल एनालिसिस। अभी इन्होंने बिलीव करना क्यों शुरू किया है, इनका सबसे बड़ा रीजन है, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो है हर्ड मेंटेलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसा रिएक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत बार सही साबित होता है। और यही पे फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि भाई अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड अगर ये बिलीव कर रहा है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न के बाद ये पर्टिकुलर चार्ट के बाद स्टॉक ने नीचे ही आना चाहिए, तो डेफिनेटली वहां पे सप्लाई बढ़ेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है जो खुद को ट्रेडर्स मानते हैं वो वहां पे सेलिंग के लिए आएंगे और अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस वाले लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको लगता है कि एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपए होनी चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वालों की वजह से अगर वो स्टॉक 105 रुपए पे गया है और उसके बाद उनको एक सिग्नल मिल गया कि यहां से सेल होके ये स्टॉक अराउंड 85 रुपीज तक भी आ सकता है अगर प्रॉब्लम होता है, मतलब वो चार्ट वैसा प्रेडिक्ट होता है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस वाला आदमी ये समझता है कि ओके अगर ये हर्ड मेंटेलिटी इस स्टॉक को वहां तक लेके जा सकती है तो आई विल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई शुड वेट, ताकि वो जब नीचे आएगा आई विल टेक दैट एंट्री और मेरे लिए फिर वो लॉन्ग टर्म बाय हो जाएगा, रादर देन बाइंग, भले ही वो 100 रुपए पे अंडर वैल्यूड लगता होगा, बट अगर मुझे वही स्टॉक 85 रुपीज पे मिलता है तो मैं क्यों उसे ना बाय करूं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आजकल फंडामेंटल एनालिसिस के लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वालों की वजह से ले रहे हैं, और वही पर्टिकुलर चीज इवन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मानी जा सकती है बहुत बार। कैसे कि बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनको अगर उस पर्टिकुलर कंपनी से एग्जिट लेना है या सेल करना है, जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े इवन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी है कि जहां पे वो टिपिकल उनको लगता है कि भाई ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड अभी हो गया है एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, तो ऐसे टाइम पे वो टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट लेके एग्जिट प्लान्स करते हैं और वहां पे एक एडवांटेज लिया जाता है। और ये एडवांटेज वो सिर्फ इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वॉल्यूम्स जो है उस पे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और अल्टीमेटली ये टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले लोग ही वहां पे आप लोगों के लिए वॉल्यूम्स क्रिएट करके देते हैं। तो यहां अगर स्मार्टली यूज किया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस व्हाइल डूइंग योर फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप लोगों को एंट्री और एग्जिट के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हो सकते हैं। और वही एक छोटी सी कोशिश हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जहां पे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेक्निकल एनालिसिस के कुछ फैक्टर्स, जहां हमें लगता है कि बहुत सारी जगह पे वो हेल्प कर सकते हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस वाली जो क्राउड है वो उसे फॉलो करती है, तो डेफिनेटली ये हम लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए ये एक टेक्नो फंडा एंड एनालिसिस काइंड ऑफ मॉडल हम जल्द ही आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन या फिर हमारे रिसर्च सब्सक्रिप्शन ट्राई नहीं किए तो investyadnya.in को विजिट कीजिए, वहां पे न्यू हाई ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है बिकॉज मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई, तो इसीलिए ये कूपन कोड हमने लॉन्च किया है, अराउंड 12-27% के डिस्काउंट आपको हमारे अलग अलग कॉम्बो ऑफर्स पे मिलेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।